हमने कई सारी सच्ची घटनाओं को सुना है, चाहे भूत प्रेत और जिन जिन्नातों की हो या किसी अदृश्य शक्ति की हो। तो आज हम ऐसे ही एक सच्ची घटना की बात करेंगे जो चाइना में घटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है एक रियल इंसिडेंट पर आधारित घटना है। इसको लेट नाइट बस या लास्ट बस या फिर मिड नाइट बस की भी कहानी के नाम से जाना जाता है। यह इंसिडेंट चाइना में हुआ एक बहुत ही डरावनी घटना है जिससे आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो बात है 14 नवंबर 1995 की। चाइना के बीजिंग शहर से एक बस नंबर 375 ह्यूआन बिंग से निकलती है। बस के अंदर केवल एक लेडी कंडक्टर, बस ड्राइवर, एक ओल्ड लेडी और एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। बस अपने रफ्तार से चल रही होती है तभी अगले स्टॉप पर एक कपल बस में चढ़ जाता है। अब बस के अंदर पूरे 6 लोग थे। सब कुछ ठीक था और बस आगे चल रही थी तभी रास्ते में ड्राइवर को 2 लोग रास्ते में चलते हुए दिखाई देते हैं। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और यह बस उस रूट की आखिरी बस थी, इसीलिए ड्राइवर ने उन लोगों के लिए बस रोक दी। लेकिन जब वे लोग बस में चढ़ते हैं तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर ये देखते हैं कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। यह 2 लोग तीसरे को सहारा दिए हुए थे। अब बस के अंदर टोटल 9 लोग हैं। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि वे 3 लोगों ने बहुत ही पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे। उन लोगों ने 1600 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीच चल रही कपड़ों को पहने हुए थे और उनका स्किन कलर नॉर्मल से ज़्यादा वाइट था। बस में बैठे सभी पैसेंजर अलग अलग थिंकिंग कर रहे थे। तभी माहौल को अच्छा करने के लिए बस की कंडक्टर यह बोलती है कि हो सकता है ये लोग थिएटर आर्टिस्ट हो और जल्दीबाजी में कपड़े चेंज करना भूल गए हो। बस जब दूसरे स्टॉप पर रुकती है तो वह पहले चढ़े हुए कपल उस स्टॉप पर उतर जाते हैं। अब बस में केवल 7 ही लोग बचे थे, जिसमें ओल्ड लेडी मिडिल वाली सीट पर और यंग स्टूडेंट उसके आगे वाली सीट पर, और जो 3 लोग थे वो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। वह बूढ़ी औरत शुरुआत से ही पीछे बैठे तीनों लोगों पर नज़र रखी हुई थी। ओल्ड लेडी बस में अचानक से चिल्लाने लगती है और वह बोलती है कि आगे बैठा हुआ लड़का उसका पर्स चोरी किया हुआ है। वह आगे बैठा हुआ लड़का इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इनकार करते हुए कहता है कि वह आगे से पीछे की चीज़ कैसे चोरी कर सकता है। लेकिन उस बूढ़ी औरत और लड़के के बीच बहस होने लगती है। अब बूढ़ी औरत बस को पुलिस स्टेशन ले जाने की जिद करने लगती है, लेकिन बस ड्राइवर पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए बस ड्राइवर उन दोनों को बस से उतार देता है। बस से उतरने के बाद अब वह लड़का बूढ़ी लेडी पर बहुत गुस्सा करता है एज वह उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाई। लेकिन तभी वह ओल्ड लेडी बोलती है कि उनके पास जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। यह सुनकर यंग लड़का शॉक्ड हो जाता है और वह ओल्ड लेडी से इसकी वजह पूछता है। लेकिन दोस्तों, वह जो बूढ़ी महिला बताती है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बूढ़ी महिला बताती है कि वह पूरे टाइम उन 3 लोगों पर ही नज़र रखी हुई थी और बार बार खिड़की के हवा से उनके कपड़े उड़ने पर उसने जो देखा वह बहुत ही शॉकिंग था। उस बूढ़ी औरत ने देखा कि उनके पैर ही नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उनके पैर ही नहीं थे और साथ ही साथ उन 3 लोगों का चेहरा भी अजीब सा होने लगा था, मतलब उनका फेस धीरे धीरे डरावना हो रहा था। यह सभी बात को सुनकर वह लड़का पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन जाकर सभी घटना को डिटेल्ड में बताते हैं, लेकिन पुलिस वाला उन दोनों पर विश्वास नहीं करता और उन पर हंसने लगता है। वह उन लोगों का फ़ोन नंबर लेकर घर भेज देता है और कोई भी ऑफिशियल FIR दर्ज नहीं करता, क्योंकि पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि यह नॉर्मल सी बात है, उन दोनों में झगड़ा हो गया होगा और वह औरत बूढ़ी है तो शायद उनको भ्रम हुआ हो। लेकिन दोस्तों, अगली सुबह एक बहुत ही शॉकिंग बात होती है। बस नंबर 375 अपने डिपो पर पहुंचती ही नहीं है। तभी पुलिस वाले को याद आता है कि कल रात को
किस तरह एक बूढ़ी महिला और एक लड़का उसी बस में हुई इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे। पुलिस वाले उन दोनों को कॉल करके बुलाते हैं और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन दोनों ने कल रात की तरह सेम बात बताई कि किस तरह वह तीन लोग अजीब सा लग रहे थे, किस तरह बूढ़ी औरत ने उस लड़के पर चोरी का इल्ज़ाम लगाई और दोनों झगड़ते हुए बस से उतर गए। पुलिस वाले को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर बस गई तो गई कहाँ। फिर जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बस का फुटेज उतनी ही दूर तक आई थी जहां पर ओल्ड लेडी और वह कॉलेज स्टूडेंट उतरे थे। उसके बाद के जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगे थे उनमें बस की एक भी फुटेज नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अब इसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। अब यह खबर मीडिया में पूरी तरह आग की तरह फैल जाती है। सभी के मन में डर का माहौल बन गई थी, जिसके कारण लोग उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिए थे। इतनी ज़्यादा दहशत फैल गई थी कि लोग बस में आना जाना तक बंद कर दिए थे। पूरे एक दिन बीत जाते हैं और बस की कोई भी खबर नहीं मिलती है। तभी पुलिस वाले को दूसरे दिन खबर मिलती है कि एक नहर में बस पाई गई है। जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हुए वहां पहुंचते हैं तो उसमें ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है। जी हां दोस्तों, ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है और साथ ही उन तीन लोगों की भी। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे शॉकिंग की बात क्या थी पता है? उन तीनों लोगों की लाश इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी जैसे कि बहुत दिन पहले उनकी मृत्यु हुई हो। दो दिन में लाश का इतना ज़्यादा सड़ जाना बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि कोई भी लाश इतना जल्दी बुरी तरह से नहीं सड़ती है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और शॉकिंग बात का पता चलता है। बस अपने डिपो से करीब 100 किलोमीटर दूर नहर में पाई गई थी, लेकिन बस कंपनी के मालिक ने एक और खुलासा किया कि बस में उतना ही फ्यूल को डाला जाता है जिससे बस पूरी यात्रा करने के बाद अपने डिपो पर रिटर्न आ सके, और ड्राइवर बस में फ्यूल को नहीं डला सकता क्योंकि उसकी नौकरी भी जा सकती है। और दोस्तों, जब पुलिस वाले टैंक को खोल कर देखते हैं तो फ्यूल टैंक में फ्यूल ना होकर पूरा खून भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पूरा टैंक खून से भरा हुआ था, यानी 100 किलोमीटर दूर तक बस खून से चलकर आई थी। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना थी मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह घटना बहुत ही अच्छी लगी होगी। और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें सस्पेंस एंड मिस्टीरियस फैक्ट चैनल पर।